शॉप न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शानी सिंह और आप देख रहे हैं खास खबर। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को जिताने के लिए पार्टी के स्टार प्रचारक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अपनी चुनावी रैलियों और सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऋषिकेश भाजपा मेयर प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा सांसद और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मनोज तिवारी ने ऋषिकेश में जनसभा कर अनिता ममगई के लिए वोट मांगे। इस मौके पर क्या कुछ कहना था मनोज तिवारी का, देखिए यह खास रिपोर्ट। निगम के चुनाव में अलग ले लूँगा, नगर परिषद की नगर पालिका परिषद के चुनाव में मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, मैंने कमाल की एनर्जी देखी है। तीन इंजन पे शासन चलता है, केंद्र, राज्य और निगम। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के लोग तीनों इंजन को एक दिशा में चलने वाला बनाएंगे ताकि 2022 तक हम सारे लक्ष्यों को प्राप्त करें। यहाँ से हमारी अनिता जी मेयर बनेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है और सभी हमारे पार्षद जीतेंगे, हमें इस बात का आशा है। ऋषिकेश पहली बार नगर निगम बना है और जिस तरह से यहाँ पर इकरार आ रहा है कि मेयर पति नहीं मेयर चुने, तो आप अपने प्रत्याशी में किस तरह का जोश देख रहे हैं? अगर वो जीत कर आती है तो लोगों की उम्मीदें होंगी, उस उम्मीद पे खड़ी उतर पाएगी? मैं जितना जानता हूँ अनिता जी को, ये महिला शक्ति अपनी विकास की गाथा खुद लिखेगी और उसको निश्चित रूप से अनिता जी बहुत पूरी करेंगी, मुझे पूरा विश्वास। आप राहुल जी पे जिस तरह से कमेंट किए तो और आपके पुतले फूके जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? अरे ये लोग बड़े बुद्धिहीन हैं। बच्चा हो तो को मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि छठ करने से बच्चे बुद्धिमान पैदा होते हैं, तो छठ का सम्मान करना चाहिए। अब ये पुतले फूक के तो यही कह रहे हैं ना कि ना ना ये छठ करने वाले सब लोग बेवकूफ हैं, ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी? सारे पूर्वांचल के लोग बेवकूफ हैं? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पुतला फूकने से अच्छा कि सोनिया जी को किसी घाट पे जाके खड़े हो जाना चाहिए था कि छठ मैया की जय। तो क्या आप चाहेंगे कि जीत कर आते हैं यहाँ के मेयर, तो यहाँ पर गंगा घाट पर ही नजर आए आरती करते हुए राहुल जी के साथ? राहुल जी देखिए, ये मोदी जी के साथ आरती करेंगी। राहुल जी और उनके घर के लोग अगर आरती का महत्व समझे होते तो आज हमारा देश में इतना बिखराव नहीं हुआ होता, ये मेरा कहना। और जिस तरह से कहता है कि भोजपुरी से आप जुड़े हुए हैं और पवन जी और केसारी जी पे वो जब प्रोग्राम में जा रहे हैं उनके ऊपर अटैक है, उनकी गाड़ी में पत्थरबाजी की गई, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत है, कलाकारों पे हमला बहुत ही गलत है, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।